हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 20 फरवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज की वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला क्लासेस जिसका पहला बैच स्टार्ट हो रहा है आज से दो दिन बाद, यानी बुधवार के दिन 26 फरवरी को प्रीलिम्स की दो बैच स्टार्ट हो रही है, एक मॉर्निंग यानी सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 बजे तक, और इवनिंग में आपका यानी शाम के समय 6 से लेकर के 8 बजे तक मॉर्निंग और इवनिंग की बैच स्टार्ट हो रही है। 3 डेज का डेमो क्लास यानी 3 दिन का डेमो क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिस किसी को भी आकर के ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एड्रेस आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका मावली मंडई मेला। मावली मंडई मेला इसका आयोजन कहाँ होता है? मावली मंडई मेला इसका आयोजन होता है आपके नारायणपुर जिले में। नारायणपुर जिले में आपके मावली मंडई मेला या माता मावली मंडई मेला का आयोजन होता है। कब होता है इसे देखिएगा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पहले बुधवार, यानी जिस सप्ताह में आपका महाशिवरात्रि रहता है उस महाशिवरात्रि के पहले जो भी बुधवार पड़ेगा उस बुधवार के दिन आपके इस माता मावली मंडई मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक, ये जो मंडई मेला है इसका आयोजन देखिए इसका आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है आपके अबूझमाड़िया जनजाति के द्वारा। अबूझमाड़िया जनजाति के द्वारा इस माता मावली मंडई मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नारायणपुर जिले में। कब किया जाता है? महाशिवरात्रि के पहले बुधवार के दिन। ठीक, ये लगभग 800 साल पुराना ये मंडई मेला महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है आपके नारायणपुर जिले में। एक चीज ध्यान देना, बस्तर दशहरा वाला हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे हमने पढ़ा था आपके इसी मावली माता के बारे में। ठीक, मावली माता जो कि माता दंतेश्वरी का ही एक प्रतिरूप है, तो ये दंतेश्वरी दंतेवाड़ा ये सोच करके इसे इस मेले को आप या तो दंतेवाड़ा या तो बस्तर टिक मत लगाइएगा। ठीक, मावली माता माता दंतेश्वरी का ही प्रतिरूप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मंडई मेले का आयोजन आपके दंतेवाड़ा या बस्तर क्षेत्र में होगा, अलग से मेंशन किया गया है। देखिए नारायणपुर जिला कहाँ पर? नारायणपुर जिला में इस माता मावली मंडई मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, कब किया जाता है? महाशिवरात्रि के पहले बुधवार को। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा अबूझमाड़िया जनजाति के द्वारा इस माता मावली मंडई मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, देखिए चक्रकोट, आप सभी को मालूम है जो हमारा बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर वाला क्षेत्र पहले चक्रकोट के नाम से जाना जाता था, चक्रकोट भ्रमरकोट। ठीक, इंद्रावती नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है वो चक्रकोट कहलाता था, नीचे का जो क्षेत्र है वो भ्रमरकोट कहलाता था। ठीक, तो इस चक्रकोट क्षेत्र में जो हमारा ये जो क्षेत्र है, ये अन्नम देव के आने से पहले जो बस्तर वाला क्षेत्र है, पूरा बस्तर संभाग है, अन्नम देव के आने से पहले चक्रकोट और भ्रमरकोट इन दो भागों में बटा हुआ था। ठीक, तो ये जो चक्रकोट वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस मावली देवी को माना जाता था, मावली देवी को पूजा जाता था। किस क्षेत्र में? इस चक्रकोट क्षेत्र में। ये जो मावली देवी है, मावली देवी आपके दंतेश्वरी माता का ही प्रतिरूप है, दंतेश्वरी माता का ही प्रतिरूप है। याद है ना आपको कि आपके बस्तर दशहरा के अवसर पर दंतेश्वरी माता को निमंत्रण भेजा जाता था, जिसके निमंत्रण पाने के पश्चात आपके जो माता मावली जो दंतेश्वरी माता का जो प्रतिरूप है उसे बस्तर के उसे मतलब जगदलपुर लाया जाता था आपका सिरहासार भवन में। ठीक, ये तो याद होगा ना। ठीक, तो देखिए ये जो दंतेश्वरी माता का जो प्रतिरूप है वही है आपके मावली देवी, ये आपकी आराध्य देवी है। कहाँ की? चक्रकोट की। ये जो आपके मावली देवी है, ये जो मावली शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका मौली धातु। ठीक, जिसका अर्थ होता है आपका मौली धातु। ये जो आपकी मावली माता है इनका जो नाम है ये है आपका मणिकेश्वरी देवी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा मणिकेश्वरी देवी। मणिकेश्वरी देवी मावली माता दोनों एक ही है। ठीक, देखिए ये जो आपके इस माता मावली मंडई महोत्सव को जो आयोजन किया जाता है इसमें अबूझमाड़िया मुरिया और हलवा ये 3 जनजाति के लोग शामिल होते हैं। अबूझमाड़िया मुरिया और हलवा ये 3 जनजाति के लोग शामिल होते हैं। इन 3 जनजातियों की यह इष्ट देवी है। कौन? मावली देवी या मणिकेश्वरी देवी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ आयोजन होता है? आपके नारायणपुर जिले में। नेक्स्ट है आपका निमगांव पक्षी विहार। निमगांव पक्षी विहार ये मौजूद है, इसे विकसित किया जा रहा है।
देखिए जो नीम गांव एक जलाशय है, इस जलाशय में आपके प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। ठीक, तो ये जो आपका नीम गांव जलाशय या नीम गांव पक्षी विहार, ये विकसित किया जा रहा है आपके जशपुर जिला में। जशपुर जिला में आपका एक नीम गांव नामक एक जलाशय है जहां पे साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है नीमगांव जलाशय में। यहाँ पर ये जो आपका जशपुर जो जिला है, यहाँ पर लगभग 32 प्रकार की प्रजातियों के पक्षियाँ पाई गई है। ठीक, तो ये जो आपके जो नीमगांव जलाशय है, यहाँ पे स्पेशली जो आपके प्रवासी पक्षी है यानी जो विदेशी पक्षी है, तीन विदेशी प्रजाति की पक्षी कौन कौन से, हेडेड गूज, रूडी शेल्डक और नॉर्दर्न आपका पिंटेल। कौन कौन से, हेडेड गूज, रूडी शेल्डक और नॉर्दर्न पिंटेल। ठीक, ये तीन प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है आपके इस नीमगांव जलाशय में। देखिए इसे विकसित क्यों किया जा रहा है, ये एक जलाशय है जहाँ पे आपके साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन पक्षियों का शिकार भी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया, जिसके कारण इन पक्षियों का आगमन इस जलाशय में कम हो गया। तो इस क्षेत्र को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से इस नीमगांव जो जलाशय है, इसे एक पक्षी विहार के रूप में अब विकसित कर रही है हमारी राज्य सरकार। ठीक, यहाँ पर अब इन प्रवासी पक्षियों के लिए दो टापुओं का निर्माण कर रही है। ठीक, ताकि वे जलाशय के किनारे पर ना आकर के टापुओं पर जाकर के अपना विश्राम कर सके। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया अकादमी। खेलो इंडिया अकादमी, जैसे आप सभी को मालूम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसमें पूरे राज्य भारत के विभिन्न राज्यों से जो आपके खिलाड़ी है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो खेलों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से यानी खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स है उसमें प्रतिभागियों की रुचि बढ़ाए जाने के उद्देश्य से जो आपकी केंद्र सरकार है कई राज्यों में इसके लिए एक अकादमी या एक अकेडमी वहाँ पर डेवलप कर रही है। तो इसी तर्ज में हमारे छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया अकादमी खोले जाने की तैयारी की जा रही है। याद रखिएगा जो हॉकी एकेडमी है ये खोला जाएगा आपके रायपुर जिले में, जबकि बास्केटबॉल एकेडमी है ये खोला जाएगा आपके राजनांदगांव जिले में। देखिए हॉकी जैसे ही हमारे माइंडसेट में आता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है राजनांदगांव में। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, गलती मत कीजिएगा, हॉकी एकेडमी खोला जा रहा है रायपुर में, बास्केटबॉल एकेडमी खोला जा रहा है कहाँ पर, आपके राजनांदगांव में। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, अभी तैयारी हो रही है, खोला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज योजना। चतुर्भुज योजना जिसका पूरा नाम है आपका चतुर्भुज ग्रुप वाटर स्कीम, चतुर्भुज योजना या चतुर्भुज ग्रुप वाटर स्कीम। देखिए ये कहाँ पर ये योजना प्रारंभ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका शिवनाथ और अर्पा नदी के संगम पर। शिवनाथ और अर्पा नदी के संगम पर इस चतुर्भुज योजना पर कार्य किया जा रहा है। ये कहाँ है ये संगम, मटियारी बेलतुकड़ी के पास। ठीक, देखिए इस चतुर्भुज योजना को क्यों प्रारंभ किया जा रहा है, जो हमारा प्रदेश है, प्रदेश में ये जो आपका बिल्हा विकास खंड है ये प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। ठीक, तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपका ड्राई जोन के अंतर्गत आता है। ड्राई जोन यानी यहां पे भूजल स्तर बहुत कम है। ये जो आपके बिल्ला विकास खंड, हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा विकास खंड है बिल्ला विकास खंड, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्सा आपके ड्राई जोन के अंतर्गत आता है जहाँ पे भूजल स्तर बहुत कम है। इस बिल्ला विकास खंड के जो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो गांव है वहाँ पे आपके ये सारे के सारे गाँव आपके सूखाग्रस्त गाँव है। उन क्षेत्रों में अगर 600 फीट तक की भी गहराई में यदि हम गड्ढा करें तो वहाँ पर आपका पानी नहीं मिलता। ठीक, तो इन क्षेत्रों में, इन सूखाग्रस्त गांवों में पानी पहुंचाए जाने के उद्देश्य से आपका इस चतुर्भुज योजना या चतुर्भुज ग्रुप वाटर स्कीम की शुरुआत कर रही है हमारी राज्य सरकार। इसका नामकरण चतुर्भुज योजना क्यों किया गया, देखिए इसके नामकरण के भी पीछे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जो आपका बिल्ला विकास खंड है, बिल्ला विकास खंड का जो दक्षिणी जो आपका ड्राई जोन है यानी ये समझ लीजिए आपके शिवनाथ और महानदी का जो संगम है यानी मटियारी बेलतुकड़ी, वहाँ से चारों दिशा में पाइपलाइन के माध्यम से, नहरों के माध्यम से चारों दिशाओं में 45-45 गांवों का समूह बना करके वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो चारों दिशाओं में पानी पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इस योजना का नाम रख दिया गया है आपका चतुर्भुज योजना या चतुर्भुज ग्रुप वाटर स्कीम। अभी प्रारंभिक तौर पर इसका नाम रखा गया है, हो सकता है आगे इसका नाम और चेंज हो जाए। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। आप सभी को मालूम है प्रदेश सरकार के द्वारा 6 योजनाओं को मिला करके एक योजना बनाई गई, जिसका नाम रखा गया है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। देखिए इसमें अब राज्य सरकार ने क्या किया है, ये जो आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आप सभी को मालूम होगा पहले स्मार्ट कार्ड के आधार पर आपके जो है स्वास्थ्य के लिए आपका लगभग 50,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती थी इलाज के लिए। लेकिन ये जो आपकी नई जो आपका स्कीम आया है, यानी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जो प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं को मर्ज करके एक सिंगल योजना बनाया है, इसके लिए कोई कार्ड का, इसके लिए कोई स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं होगा, इसमें राशन कार्ड से इलाज होगा। यानी प्रदेश के जो राशन कार्डधारी है वे अपना राशन कार्ड दिखा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राशन कार्ड प्लस उन्हें अपना आधार कार्ड लाना होगा, राशन कार्ड प्लस आधार कार्ड दिखा करके वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक, देखिए इस डॉक्टर, आप सभी को मालूम होगा इस डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 से आपका 20 लाख तक, ठीक 5 लाख से 20 लाख तक, लेकिन एक्चुअली में वो 50,000 से 20 लाख है। ठीक, योजना में जरूर कहा गया है 5 लाख से 20 लाख तक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, लेकिन ये 5 लाख से 20 लाख तक कैसा है समझिएगा, ये जो आपका प्राथमिकता और अंत्योदय कार्डधारी है, प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी, यहाँ राशन कार्ड की बात हो रही है, ठीक, प्राथमिकता और अंत्योदय जो राशन कार्डधारी है उन्हें 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी, यानी मुफ्त इलाज उनका होगा। ठीक, किनका, प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी, जबकि अन्य राशन कार्डधारियों का 50,000 रुपये तक का स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी मुफ्त इलाज किया जाएगा। अन्य राशन कार्ड के अंतर्गत देखिए प्राथमिकता और अंत्योदय का 5 लाख, अन्य राशन कार्ड के अंतर्गत एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निशक्त जन राशन कार्ड, ठीक, ये जो बाकी अन्य राशन कार्ड है उन पर 50,000 रुपये तक का उन्हें स्वास्थ्य सहायता मुहैया कराया जाएगा। विशेष जरूरतों पर, 20 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाए, सॉरी 20 लाख रुपये तक का आपका इलाज का पैकेज बनाया गया है। विशेष जरूरतों पर मतलब या इसमें देखिए जो एक अलग से जो आपका योजना जो प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, यानी विशेष जरूरतों पर कुछ अगर ऐसी बीमारी है जिन पर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उस कंडीशन पर विशेष जरूरतों पर 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता यानी मुफ्त इलाज प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, करवाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये आपका खोला जा रहा है आपके कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में, आपके अंजुरा दुर्ग में स्थित है आपका कामधेनु विश्वविद्यालय, जहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जा रहा है। ये वेदर स्टेशन ये किसानों को मौसम और तापमान का सटीक जानकारी देगा, जिसके आधार पर जो कृषि वैज्ञानिक है कृषकों को समय समय पर मौसम, तापमान और साथ ही साथ जो आपके कृषि कार्य से संबंधित जो आपके कार्य होते हैं, यानी आपका बोआई, निंदाई, सिंचाई, समय समय पर जो आपके आपके जो कृषि फसलों में जो आपके कीड़े लग जाते हैं तो समय समय पर उसमें आपका कीटनाशकों का छिड़काव कब करना है, तो ये सारी जानकारी इस आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के आधार पर, इनके आंकड़ों के आधार पर किसानों को कृषि वैज्ञानिक सलाह देंगे। ठीक, तो ये कहाँ खोला जा रहा है या इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजुरा दुर्ग में। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा रतन ज्योत, जिसको अंग्रेजी या इंग्लिश में इसका नाम है आपका जेट्रोफा, रतन ज्योत व करंज से बना बायोफ्यूल। देखिए हमारे प्रदेश में आपका रतन ज्योत और करंज से एक बायोफ्यूल विकसित किया गया था, और उस बायोफ्यूल से आपके भारतीय वायुसेना विमान AN-32 जो है उड़ान भरा, कहाँ से कहाँ तक, कुशेक, बकुला, रिम्पोली हवाई अड्डा जो कि लेह में स्थित है, वहाँ से आपका चंडीगढ़ एयरबेस तक इसने उड़ान भरी। ठीक, हमारे प्रदेश में इस रतन ज्योत व करंज इसकी जो उपज है बहुतायत मात्रा में है, तो इसी रतन ज्योत व करंज से जो करंज से आपके बायोफ्यूल का निर्माण किया गया। इस बायोफ्यूल पर आपका भारतीय पेट्रोलियम विभाग जो आपके देहरादून में है उसके द्वारा रिसर्च के पश्चात इसे भारतीय वायुसेना विमान में इसका उपयोग किया गया AN-32 में जो कि आपका लेह से आपका चंडीगढ़ एयरबेस तक उसने उड़ान भरी। इससे पहले भी निजी एयरबेस में इसका उपयोग हो चुका है, निजी एयरलाइंस में इसका उपयोग किया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
सजग ऐप, सजग ऐप ये जो है आपके हाथियों से अलर्ट करेगा। सजग ऐप देखिए, सजग ऐप जो कि आप सभी को मालूम होगा हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जो हाथी प्रभावित जिले हैं, हाथी मानव बसाहटों में घुस जाता है जिसके कारण जान माल की हानि होती है। तो इसके लिए वन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सजग ऐप। इसका उपयोग किया जा रहा है आपके महासमुंद जिले में, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग महासमुंद जिले में 50 हाथी प्रभावित गांवों में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो 4 किलोमीटर के दायरे में या 4 किलोमीटर के रेडियस में यदि हाथी प्रवेश करते हैं तो एक हूटर बजेगा, एक सायरन बजेगा, जैसे कारखानों में एक सायरन बजता है वैसे ही सायरन बजेगा उस क्षेत्र में यदि 4 किलोमीटर के रेडियस में यदि हाथी प्रवेश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार क्या है? ऑपरेशन प्रहार आपके नक्सलियों के खिलाफ प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ पुलिस एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस एसटीएफ डीआरजी तथा सीआरपीएफ के द्वारा। ठीक, इसमें लगभग आपके 1850 आपके जवान इसमें शामिल होंगे। देखिए जो छत्तीसगढ़ पुलिस के एसटीएफ और डीआरजी के 1400 जवान जबकि सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 450 जवान इसमें शामिल हुए। ठीक, ये जो है आपके तेलंगाना से महाराष्ट्र बॉर्डर में घेराबंदी करके सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक, देखिए जो नक्सलाइट है वो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके अपना हमला करते हैं और हमला करने के पश्चात फिर उन राज्यों में यानी तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए उन राज्यों के गाँव में प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण उन तक पहुँच पाना मुश्किल। तो इस बार क्या है, ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किया गया है जो कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों में ये घेराबंदी करके सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। ठीक, देखिए इसमें जो स्पेशली है जो हमारे छत्तीसगढ़ में किस्टाराम और पामेड़, किस्टाराम जो कि आपके सुकमा जिले के अंतर्गत आता है और पामेड़ जो कि आपके बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, इन दोनों के क्षेत्रों के मध्य स्पेशली आपका नक्सली कोर क्षेत्र है यानी ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है नक्सलाइट गतिविधियों की दृष्टि से। ठीक, तो देखिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मनरेगा। मनरेगा जिसके अंतर्गत 100 दिन का निश्चित रोजगार, 100 दिन के निश्चित रोजगार के आधार पर जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान आपके देश में पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़। 100 दिन का निश्चित रोजगार दिए जाने के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है जिसमें 4.33 लाख परिवार यानी 4.33 लाख परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार मिला। ठीक, सेकंड नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ जहां पे 2.28 लाख परिवार यानी 2.28 लाख परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध हुआ। ठीक, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर रहा आपका राजनांदगांव जहां पे सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया गया, जहां पे 21,713 परिवारों को आपका 100 दिन का निश्चित रोजगार प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर पर है आपका बिलासपुर जहां पे 19,530 परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्राप्त हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में 2.28 लाख परिवारों को आपका 100 दिन का निश्चित रोजगार प्राप्त हुआ और इस आंकड़े के साथ छत्तीसगढ़ 100 दिन का निश्चित रोजगार दिए जाने के मामले में पूरे भारत भर में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, देखिए अभी आपका 18 फरवरी 2020 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल आपके 11.25 करोड़, ठीक 11.25 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए जो कि कुल लक्ष्य का, देखिए अभी अवधि पूरा हुआ नहीं है, कुल लक्ष्य का 86% है तथा इस सृजित मानव रोजगार दिवस में महिलाओं की भागीदारी है आपकी 51% रही आपकी महिलाओं की भागीदारी। ठीक, सर्वाधिक पंजीकृत मनरेगा मजदूर किस जिले में है हमारे प्रदेश में, तो वो है आपका राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूर मौजूद है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस देखिएगा, ये है आपका आशा जो कि मादा वन भैंसे का एक नाम है। पिछले एक साल में प्रदेश में लगभग 3 आपकी वन भैंसों की मृत्यु हो चुकी है, एक है आपका श्यामू जुगाड़ू और तीसरा है यह आपकी आशा जो कि एक मादा वन भैंसा है जिसने अब प्रदेश में लगभग 7 वन भैंसों को जन्म दिया जिसमें से 6 नर वन भैंसे और एक मादा वन भैंसी जिसका नाम है आपका खुशी। ठीक, याद रखिएगा इनके नाम से प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, आशा है वन भैंसे का नाम या हिरण का नाम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे दीप आशा वाला एक दीप आशा क्लोन से एक प्रश्न आ चुका है पीएससी में। देखिए
नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम खोले जाने की घोषणा की गई है आपके जशपुर जिला में। जशपुर जिला में एक नया एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक औसत शक्कर रिकवरी। इस चालू वित्तीय वर्ष में जो आपका सरदार पटेल, देखिए मैंने पटेल कारखाना लिखा है, उसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि आपका पंडरिया कबीरधाम जिले में मौजूद है। तो इस चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक औसत शक्कर की रिकवरी, या साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन जो हुआ है वो आपके इस सरदार पटेल शक्कर कारखाने में हुआ है। प्रदेश के 4 शक्कर कारखानों में सर्वाधिक उत्पादन इस सरदार पटेल शक्कर कारखाने में हुआ। ठीक, बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्रहण। तेंदुपत्ता संग्रहण 2019 जो कि पूरा हो चुका है, जिसमें पारिश्रमिक दर रहा आपका 4000 रुपये प्रति मानक बोरा। तो 4000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से हमारे प्रदेश में 15,06,883 मानक बोरे का संग्रहण किया गया, जिसमें आपका जो पारिश्रमिक जो वितरण किया गया, यानी कुल राशि जो वितरण की गई वो है आपका 603 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। ठीक, तो जितना भी चीज़ें बताया गया सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इस मंडाई मेले महोत्सव को याद रखिएगा, ऑपरेशन प्रहार को याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जिस किसी को भी डोमो क्लास लेना है, आज से 2 दिन बाद 26 फरवरी को मॉर्निंग 7:30 से 9:30, इवनिंग 6 से 8, ये 2 बैच बन रहा है, आके डेमो क्लास ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।